आज का प्रेरणा पाते विधेय की अवधारणा, ये अवधारणा वेदांत में से ली है। विधेय का अर्थ होता है कि देह होते हुए भी देह की अनुभूति नहीं होती। जग माही ऐसो रहो जो अंबुज शर्माई, रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही। आप दुनिया में इस प्रकार अनाशक्त भावों से रहो कि दुनिया घर वाले सब समझे कि आप उनके साथ हो, लेकिन आपका तार ईश्वर से और भीतर विराजमान प्रभु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कमलवत जीवन यापन करो। कमल का फूल होता है वो कीचड़ से बहुत ऊपर होता है, लेकिन उसका डंठल, उसकी जड़ है वो कीचड़ में होती है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो कीचड़ समझता है कि ये कमल की जड़ कहिए, कमल का डंठल कहिए, मेरे भीतर है तो कमल मेरे साथ ही है। तो आपको कमलवत जो है जीवन जीना चाहिए, ये विधेय की अवधारणा है। और सीता जी के पिता जो राजा जनक है, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन वह चक्रवर्ती राजा होते हुए भी नाई प्रिय थे, किसी का शोषण नहीं करते थे और जनता को अपनी संतान समझते थे, और किसी तरह का उपद्रव, हिंसा, साम्राज्य को हड़पना वगैरह कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करते थे। इसीलिए वो विधेय थे। विधेय का अर्थ मतलब है कि देह में रहते हुए भी देह का उनको भाव नहीं था। इसका मतलब ये है उनकी जीव मुक्ति हो चुकी थी, और जो जीवन मुक्ति होती है वह जीवन मुक्ति हो गई थी, और जीव मुक्ति है वह जो है निर्वाण के बाद या मृत्यु के बाद होती है। तो ये जो विधेय का कॉन्सेप्ट है ये वेदांत का है, और हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, शरीर और आत्मा को अलग करना।